नमस्कार फ्रेंड्स, इंडियन सेफ में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है पालक की। बहुत ही लाजवाब बनने वाली है पालक की सब्जी। आप शुरू से लेके इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। पालक को हम यहाँ पर ले लिए हैं, 500 ग्राम तक हमारा पालक है। इसको हम धो के साफ कर लिए अच्छे से, और हमें यही वाले छोटे पालक, छोटे पत्ते वाली पालक हमें बहुत पसंद है, और पालक को थोड़ा नरम ही लेना है। अब इसको कट कर लेते हैं। पालक को पहले कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, पालक को हम ऐसे कट करेंगे। जब भी पालक लेना है उसको धो के अच्छे से साफ कर लेना है। ये मेरे गार्डन का पालक है, ताज़ा ताज़ा, बिल्कुल किचन गार्डन का है। ऐसे ही सारे पालक को हम कट कर लेंगे। सारे पालक कट हो गए हैं। अब इसको हम पालक को निकाल लेते हैं। पालक को बनाना शुरू करते हैं। गैस को जला लेंगे, कढ़ाई रख लेंगे, तेल डाल लेंगे। ये 2 टेबल स्पून हमने सरसों का तेल ले लिया है। तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया, 1 चम्मच हम पचफोरन डाल रहे हैं। आप इसे घर पे लाके बहुत अच्छी तरह से बना सकते हो। इसमें मेथी, सौंफ, जीरा, कलौजी, सरसों, मंगरेल सब अच्छे से डाल के मिक्स करके घर पे बना के सब्जियों का टेस्ट बढ़ा सकते हो। थोड़ा सा इसको तड़कने देंगे। ये हो तड़क गया हमारा। इसके अंदर 1 कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज को 2 मिनट तक भून के इसे पका लेंगे, थोड़ा सॉफ्ट होने तक। कटा हुआ लहसुन डाल देंगे, बारीक कटी हुई है ये। 1/2 टेबल स्पून एक कटा हुआ अदरक है, इसे भी डाल देंगे तड़के के अंदर। यहाँ पर सॉफ्ट हो गया है प्याज, अदरक और लहसुन भी। कटी हुई पालक अब इसके अंदर डाल लेंगे हम कढ़ाई की। पालक को मिक्स कर लेंगे प्याज के अंदर। 1 टेबल स्पून से कम ही नमक डाल रहे हैं। पालक देखने में ज़्यादा लगती है, नमक डालने से कम हो जाती है, तो कम ही नमक डालना है। पालक को ढक करके पका लेंगे। दूसरी तरफ पालक को रख लेते हैं। यहाँ पर दूसरी कढ़ाई ले लिए हम। पालक का मसाला बना लेते हैं। ये 2-3 टेबल स्पून मूंगफली है, इसको थोड़ा सा भून लेंगे मूंगफली को। 2 टेबल बेसन ले रहे हैं कढ़ाई के अंदर, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। और इसका अच्छा सा भून के अच्छे से पहले बेसन और मूंगफली को अच्छी तरह से भून लेंगे, इसका कच्चापन निकल जाए। बेसन और मूंगफली भून चुकी है, गैस को बंद कर लेते हैं। अगर इस तरह से पालक की सब्जी बनाओगे तो जो आपके घर में पालक नहीं खाता है वो भी कटोरी भर के खाने लगेगा। बेसन और मूंगफली को मिक्सी जार में निकाल लेंगे। मिक्सी जार के अंदर 1 टेबल स्पून वाइट तिल लेंगे। तिल को मिक्सी जार में डाल लेंगे और इसको ठंडा होने के बाद इसको हम ग्लेंडर कर लेंगे। कढ़ाई को इस तरफ कर लेंगे। पालक जो हम भून रखे हैं, ढक्कन को हटा लेते हैं। देखो पालक मेरी गल गई है। इसके अंदर 1 कटे हुए टमाटर डाल देंगे पालक के अंदर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पालक को ढककर 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे। मिक्सी जार को खोल लेते हैं। ये हमारा पालक का अच्छे से मसाला गल के बिल्कुल तैयार हो गया है मसाला मेरा। अब पालक को चेक कर लेते हैं। हल्दी 1/2 टेबल स्पून डाल दिए पालक के अंदर, हम मिक्स करेंगे। मिक्सी जार के सारे मसाले डाल लेंगे पालक के अंदर। थोड़ा से पानी डालेंगे। अब मसालों को अच्छे से चला के मिक्स करेंगे। साथ में 1/2 टेबल स्पून से कम मिर्च पाउडर डाल रहे हैं यहाँ पर, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/2 टेबल स्पून यहाँ पर हम गरम मसाले ले रहे हैं। बहुत ही कम मसालों में सब्जी बन रही है और बहुत ही टेस्टी है, इसे ज़रूर ट्राई करना आप। और थोड़ा से और पानी डालेंगे, डाल के इसे अच्छे से पका लेंगे। नमक पहले ही हम डाल रखे हैं सब्जी के अंदर।
ढककर पका लेते हैं, तब तक इसका तड़का लगा लेते हैं। तड़का पालक के तड़के की तब तक हम तैयारियां कर लेते हैं जब तक हमारा ये पालक पकेगा। कढ़ाई रख ली हूँ मैं यहाँ पर, और कढ़ाई के अंदर 2 टेबल स्पून तेल डालूंगी। तेल को थोड़ा गरम कर लूंगी। 2 टेबल स्पून तेल डाल के गरम कर लेंगे तेल को। तेल गरम हो गया है, 1 टेबल स्पून जीरा डालेंगे। जीरा को थोड़ा तड़कने देंगे। 1 बड़ी वाली इलायची, साथ में 2 लाल मिर्च, साथ में 2 इलायची, तेज पत्ता, एक थोड़ा सा जावित्री है, 1 इंच दालचीनी, 1 चम्मच ये साबुत धनिया। इसे अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। साबुत मसाले सब्जी के अंदर जरूर डालें, इससे सब्जी का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। ऐसे एक बार बना के जरूर ट्राई करना आप। तड़के में अब कटे हुए लहसुन डाल लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लहसुन को भी थोड़ा से ब्राउन होने तक पका लेंगे। पालक की सब्जी बन गई है, इसको हम नीचे उतार लिए हैं। फ्रेंड, मेरा तड़का तैयार हो गया है, गैस को बंद कर लेंगे। साथ में 1/2 टेबल स्पून से कम यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं कि हमारा ये लाल मिर्च जले ना। ये हींग डाल रहे हैं 1 पिंच। पालक को खोल लेते हैं और तड़के को सारे हम डाल लेंगे पालक के अंदर। फ्रेंड्स, ये मेरी सब्जी बनके तैयार हो गई है। कुछ ऐसे बनी है मेरी ये सब्जी। अगर हमारी ये पालक की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को 1 लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।